नोएडा से फौजी की लूटी पिस्टल के साथ 20,000 का इनामिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में पाइंसा पुलिस ने मुठभेड़ में 20,000 इनामिया एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने 2 साल पहले नोएडा के सेक्टर 108 से फौजी के अधिकारी की पिस्टल भी लूटी थी, जिसका मुकदमा भी नोएडा के सेक्टर 39 के थाने में दर्ज है। इसके अलावा फरवरी महीने में लूट की एक घटना को भी शातिर ने अंजाम दिया था। घटना में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन यह फरार चल रहा था। यह अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अफजलपुर वारी के पास से आरोपी बिनेश उर्फ छोटू निवासी डोंडापुर थाना सैनी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पिस्टल के अलावा 3,000 रुपए भी बरामद हुए। एएसपी समर बहादुर सिंह ने बताया कि पाइंसा थाना क्षेत्र में फरवरी महीने में एक लूट हुई थी। एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका था, एक की पुलिस तलाश में जुटी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफजलपुर वारी के पास से एक शातिर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में शातिर ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 108 से फौज के अधिकारी की पिस्टल को लूटा था। उसका मुकदमा दर्ज है, मामले की छानबीन चल रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना पैंथा क्षेत्र में फरवरी मार्च माह में एक लूट हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त पहले जेल जा चुका था। दूसरा और जो अभियुक्त थे उसमें एक दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि उसने 2018 में नोएडा में एक पिस्टल चोरी की थी, जो किसी सेना के अधिकारी की थी, जिसकी जांच कराई जा रही है। और उनसे भी संपर्क करके जो मुकदमा लिखा गया उसमें इनका नाम खोला जा रहा है। गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना से उनके बारे में जानकारी हुई थी, तो गिरफ्तारी एक पिस्टल बरामद हुआ है, 3,000 रुपये बरामद हुए और ये 20,000 का इनाम मिली थी।